नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त श्रीकांत और आप देख रहे हैं टेक सिटी। बात करने वाले हैं एमआई के 10 लाइट 5G के बारे में, जो कि यूरोप में लॉन्च हो चुका है। और इसमें बहुत ही बढ़िया कैमरा, बैटरी और इसका जो है ना क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का चिप से डाला है, बहुत ही बेहतर चिप से डाला। इसका डिटेल में देखेंगे। उससे पहले अगर आप अपने घर पर नहीं रहते होंगे और स्टे एट होम का पालन नहीं करते होंगे, तो आप प्लीज़ करिए, क्योंकि सपोर्ट कीजिए गवर्नमेंट को। और आपको कहा जा रहा है स्टे एट होम एंड सेफ, तो मुझे लगता है मेरी जो भी YouTube फैमिली है वो इसको सपोर्ट करेगी। और जल्द से जल्द जो ये हमारा भारत पे जो संकट बढ़ रहा है ना, उसको जल्द से जल्द हम अपने भारत से निकाल देंगे। तो आते हैं बात पर। बात कर रहे हैं Redmi Note 10 Lite की, जो कि यूरोप में लॉन्च हो चुका है। इसमें बहुत ही बढ़िया बेहतर वो दिया है। और इसका जो बताऊँगा आपको इस मोबाइल फ़ोन के बारे में, तो ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, जो कि होने वाला 6.67 इंचेस का डिस्प्ले, जो कि अमोलेड फुल HD प्लस डिस्प्ले होना, जो कि आपको बेहतर एक्सपीरियंस देगा। विविंग का HD प्लस अमोलेड डिस्प्ले बेहतरी देता है। आपको पता है इससे पहले भी हमने देखा था बहुत सारे इसमें HD प्लस अमोलेड फुल HD डिस्प्ले देखने को मिला था। ये वही डिस्प्ले के बाद अभी बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर डाला है बहुत ही बेहतर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 SoC का चिप से, जो कि बेहतर होता है गेमिंग वालों के लिए, जो कि PUBG उसका 8 और PUBG चलाते हैं, या कुछ भी TikTok वीडियो है और कुछ भी चलाना चाहते हो, तो इस पर हाई सिमुलेटर गेम चलने वाले हैं। तो इसमें ना कि रुकने वाली बात है, ना ही दिखने वाली बात है, सब कुछ इसमें अच्छा होने वाला है। अभी बात करते हैं इसके कैमरे की। कैमरे की बात करो तो आपको रियर में यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को, जो कि होने वाला है 4 कैमरे का सेटअप, जो कि अलग अलग 48 मेगापिक्सल और 22 मेगापिक्सल और 1 मेगापिक्सल का कैमरा दे सकता है। अभी फिलहाल इसकी जानकारी नहीं आई कि इसमें चारों इसमें कौन सी कैमरे, लेकिन मेन जो कैमरा वाला 48 मेगापिक्सल का कैमरे होने वाला है। बात करें फ्रंट कैमरे की, तो आपको यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिला, जो कि सेल्फी के लिए और आप जो टिकटॉक वीडियो लवर होगे टिकटॉक वीडियो के लिए बनाने के लिए आपको बेहतर होने वाले। और इसके साथ आपको पावर देने के लिए यहाँ पर 4000 mAh की बैटरी, 4000 mAh से थोड़ी ज़्यादा है, 4160 mAh की बैटरी। और इसके साथ फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन आपको शाओमी दे रहा है, 20 वाट का फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है। और इसकी जो प्राइस है इस मोबाइल फ़ोन की, ज़्यादा प्राइस नहीं है, मिडिल प्राइस है, जो कि मिडिल वाले ले सकते हैं। इसके रिगार्डिंग ये वाली प्राइस बनाई हुई, प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको यूरोप में यहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन देखने को मिलने वाला है 13,000 rupees में, जो कि ज़्यादा नहीं होने वाली, आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और भारत में आने के बाद पता नहीं इसकी क्या होने वाली, फिलहाल तो मुझे चांसेस भी नहीं लगते कि भारत में मोबाइल फ़ोन लॉन्च होगा। अभी फिलहाल 1-2 महीने 3 महीने तक ये लॉन्च नहीं होगा, जब तक ये शटडाउन जो हो रहा है ना ये तब तक ख़त्म नहीं होता, ये तब तक ही यहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन देखने को नहीं मिलेगा भारत की, क्योंकि यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने भी बंद कर दिया अपना सर्विस और यहाँ पर अमेज़न भी यहाँ पर। तो यहाँ पर लॉन्च करने के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म यहाँ पर शाओमी के पास नहीं है, तो ऑफलाइन मार्केट में तो ये नहीं कर सकता ना, इसकी वजह से मुझे नहीं लगता 2-3 महीने तक ये मोबाइल फ़ोन भारत में आएगा। जब भी आएगा ना दोस्तों, आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें क्या क्या और क्या बेहतर है जब भारत में आएगा वो भी मैं आपको रिव्यू दूंगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और स्टे एट होम एंड सेफ डेफिनेटली आप करोगे मुझे लगता है। तो मिलता हूं दोस्तों किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।